भारत पाक के तनाव भरे रिश्तों के बीच एक ऐसी खबर आई जिससे दोनों देशों के साथ साथ दुनिया के लोगों के भी कान खड़े हो गए। भारत पाक के बीच फिर से होगी बातचीत। जी हाँ, भारत पाक एक बार फिर होंगे आमने सामने। भारत पाक के हाँ ना हाँ के बाद अब इन दोनों देशों के विदेश मंत्री अगले महीने कर सकते हैं मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पाकिस्तानी समकक्ष को पत्र लिखा। पाकिस्तान ने इसके बाद दावा किया कि भारत बातचीत चाहता है। भारत ने इस बात का खंडन कर कहा कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। इसके जवाब में पाकिस्तान ने कहा कि हमारे कहने का गलत मतलब समझा जा रहा है। हालांकि हाना के बाद आखिरकार भारत और पाकिस्तान दोनों ने बातचीत के लिए सहमति दे दी है। सूत्रों के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि दोनों देश अगले महीने संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में हिस्सा लेने के दौरान एक दूसरे से बातचीत करेंगे। दोनों देशों की बातचीत पर पाकिस्तान के इमरान खान ने ट्वीट के जरिए भारत को संबोधित कर कहा कि गरीबी को दूर हटाने और उपमहाद्वीप में लोगों के जीवन स्तर को ऊपर ले जाने के लिए जरूरी है कि हम आपसी मतभेद भुलाकर एक दूसरे के साथ बातचीत करें। आधिकारिक तौर पर दोनों देशों के बीच बातचीत भले ही ना हो रही हो, लेकिन अनौपचारिक तौर पर दोनों देश आपस में बातचीत की प्रक्रिया में रहे हैं और ये सालों से होता आ रहा है। बातचीत का सिलसिला तो लंबे समय से चलता आ रहा है। 1999 में आरके मिश्रा और सचिव नियाज अनायक के बीच बातचीत के बाद ही चुनाव फॉर्मूला निकला। इस फॉर्मूले से ही दोनों देशों के बीच नदी के पानी के बंटवारे को लेकर सहमति बनी। 2003 में ब्रिजेश मिश्रा और पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल तारिक अजीज की वार्ता के दौरान ही प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का इस्लामाबाद का दौरा हुआ, जिससे दोनों देशों के बीच LOC पर सीज फायर उल्लंघन को लेकर सहमति बनी। 2004 में NSA JN दीक्षित और तारिक अजीज के बीच सिर्फ बातचीत ही हो पाई, क्योंकि दीक्षित अपने कार्यकाल में सिर्फ 8 दिन तक मात्र रह पाए। 2005 से 2008 में प्रधानमंत्री के खास सहयोगी सतिंदर लांबा और तारिक अजीज के बीच बातचीत हुई, जिसके नतीजों से कुछ राजनीतिक समझौते हुए, लेकिन पाकिस्तान में हो रहे तख्ता पलट होने की वजह से इन समझौतों में कोई भी कदम नहीं उठा पाए। 2010 से 2013 में सतिंदर लांबा और पाकिस्तान की तरफ से प्रतिनिधि नियुक्त रियाज मोहम्मद खान के बीच 6 बार बातचीत हुई। तब जाके खान ने PPP की ओर से 2007 की डील के लिए अपनी प्रतिबद्धता बताई। 2013 से 2014 में सतिंदर लांबा और पाकिस्तानी सरकार के प्रतिनिधि शेहरयार खान के बीच कुछ मुलाकातें हुई, लेकिन भारत में चल रहे लोकसभा चुनावों की वजह से कोई भी प्रमुख फैसले नहीं हो पाए। 2018 में पूर्व भारतीय राजनयिक विवेक कार्जू और राकेश सूद ने पूर्व पाक विदेश मंत्री इनाम उल हक के बीच इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। अब देखना यह कि इस बार की मुलाकात दोनों देशों के बीच कौन सी बहाली लाएगी और दोनों देशों के बीच नियमित बातचीत की जमीन तैयार हो पाएगी। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टूडेज फॉर मोर वीडियोज।